हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यार, मैं तो निकल चुका हूँ यहाँ से, मरचुला से घूमने के लिए। दरअसल दोस्त आ रखा है दिल्ली से, तो घूमने का प्लान बनाया है। नीचे दिखाऊँ आपको मैं कौन सी जगह खड़ा हूँ? ऐसे जगह पर खड़ा हूँ भाई, मेरा पैर और ये नीचे देखो पूरा गया है। फिलहाल मैं हूँ मरचुला पे, ये पूरा मरचुला का एरिया है और अपनी गाड़ी भी रेडी है, बैग भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। यहाँ से चलते हैं और ब्लॉगों बनी रही क्या, बहुत टाइम बाद ही ब्लॉग आ रहा है, तो बताते हैं आपको आगे का सफ़र। ओके अगर डूबे भी एक जन देख तो खाली उरो पागल देखो हो दीदी, खाली बिटी देखो पत चला रहा है, कहीं फेंक भी गया तू चम कोई सोने में नीचे वहां। फाइनली पहुंच चुके नैनीताल और सोमवार भी मिल गए थे हमको रामनगर में। सोमवार कैसा लग रहा है यहाँ के? आवाज़ नहीं आ रही आपकी यार, आवाज़ बैठ चुकी है। सही बात है बिल्कुल। ऐसे हमारा कहीं अभी तो कोई प्लान नहीं बना कहाँ जाना है, सुबह से कुछ नहीं बनना हमारा, अब यहाँ आ गया है। प्लान वैसे कल दिन से बनना है कि जाना है जाना है, बट पता नहीं है, देखते हैं यहाँ से कहाँ को निकलते हैं। अभी घूम रहे हैं हम नैनीताल की, ये कौन सी लेबर वाली सड़क है ना? ये लेबर वाली सड़क है, बोले तो इंडियन वाली सड़क है और ऊपर वाली अंग्रेज वाली, जो कि VIP है भाई, उसमें चलना नहीं है। भले हम रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे रोड से जा रहे हैं और मेरा ठीक सामने ताल। बाकी बोटिंग वोटिंग किसी को करनी है तो ऑनलाइन करा सकता हूँ, यहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे हम कर नहीं रहे क्योंकि भाई की पट्टी है। मौसम बहुत तगड़ा है भाई इधर का, बहुत ठंडा है, शायद बारिश सारी रुक गई। टकरा चुके हैं तो मुसाफिर हमसे। तो फाइनली दोस्तों बड़ी मुश्किल से सोम भाई की फोटो खिंचाने की चुन पूरी हुई है और अभी भीमताल का सोच रहे हैं, भीमताल सात ताल जाने का, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी फ़ोन को सर्चिंग पर लगा देखाऊँगा फोन की, ना ही देखा जाना है, जाना है, कहाँ जाना है, देखते भी आगे प्लान क्या बनता है। फाइनली दोस्तों निकल चुके नैनीताल से भीमताल की ओर। भीमताल ही जा रहे क्या? पता नहीं कहाँ ले जा रहे, देखते हैं कहाँ को जाते हैं। दोस्तों फाइनली आ गए हम सात ताल में सोम भाई की फरमाइश पे, और सोम भाई यहाँ पे लेके आ रखे हैं, लेकिन भाई बहुत एकदम क्या ही बोलो, कैसी जगह है, खाली देने का मन कर रहा है, लेकिन शांति बहुत है, तो सुकून मिल रहा थोड़ा सा। ये कि पॉल्यूशन नहीं दिखे बाहर है, यानी शोर शराबा नहीं है, प्रदूषण कुछ नहीं है, मतलब वातावरण भी साफ है, और बाकी तो अब क्या ही होता हूँ, बाकी ताल दिखा देता हूँ ढंग से ना। ये भाई सात ताल का एरिया, और ये बोटिंग तो सभी जगह होती है, हम करते भी नहीं, मेरे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पता भी नहीं हूँ कहाँ। अरे होगी नीचे वगैरह यार, ये है छोटा सा एरिया, कैसे बकचोदी करने में लगे देखो दो। दोस्तों सात ताल से निकल चुके हैं, अब कहाँ के लिए? दोस्तों पहुंच गए अब सात ताल के ऊपर वाले ताल में,
नाम तो पता नहीं क्या है इसका। ये हैं भाई प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाले कुछ ये भी हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं। सब लड़कियां घुमा रहे हैं, मैं इसको घुमा रहा हूँ भाई को इससे पीछे कोई नहीं है, गेस्ट हैं ये, दिन देखने पड़ रहे हैं हाँ ऊपर लिखा था तैरना मना है, नहाना मना है, भाई फुल मजे ले रहा है। आता तेरे को बनाना, तैरना आता है भाई उसको। ओ भाई घर आ रहे ये सारे ताल घूम के आ गए हैं, एक ताल ही दिख रहा नीचे यहाँ पे, बस यहाँ जाने की तैयारी है अब, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। दोस्तों मैं गया हूँ भीमताल के अंदर, मंदिर वैष्णो देवी का, जय हो माँ वैष्णो देवी। ये गुफा है कुछ इस तरीके की, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं तो इधर। इधर से जाने का बहुत बढ़िया जगह है, ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पे, काफी बढ़िया है। एंट्री जय हो, अंदर ही अंदर गुफा है इसमें, जय माता दी, मेरी गुफा डरती फिर सामने। नीचे जाने का कैमरा अलाउ है भाई, मंदिर भक्ति में अपने अपने परिजनों को जन्म कर सकते हैं। श्री भक्ति धाम मां